ओके सो व्हाट्सएप वेलकम बैक टू टेक्जी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबीक्विक जीप पे लेटर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर पाएंगे, परमानेंटली क्लोज कैसे कर पाएंगे। अगर आप भी अपने जीप अकाउंट को यहाँ पर परमानेंटली क्लोज या फिर डिलीट करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगी, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में आपको एकदम लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ 2023 का, कि कैसे आपको अपने जीप पे लेटर अकाउंट क्लोज करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि उनके सिविल में जो है ये वाला लोन शो करता है, और यहाँ पर आपका काफ़ी कम ट्रांजेक्शन का भी यहाँ पर वो दिखा देता है कि आपके सिविल पर ये वाला लोन चल रहा है, तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है आपके सिविल स्कोर पे। और काफी सारे लोगों को यहाँ पर सच में जिप का अकाउंट बंद करना है, उनको कोई भी सिविल से प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो लोग बंद करना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखिए। आपको बता दें कि यहाँ पर अकाउंट बंद होने में आपका 4 से 5 दिन या फिर किसी किसी को यहाँ पर 10 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट बंद होने में वो लोग आपसे काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ही वहाँ पर वो लोग अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए चलिए मैं अभी आपको लेकर चलूंगा मॉल की स्क्रीन पर, बट यहाँ पर आपको कुछ चीज और शेयर कर दूँ। मोबीक्विक जिप का अकाउंट जो है आप तभी क्लोज कर सकते हैं जब आप उसका ड्यू पेमेंट कर दीजिए। जैसे कि अभी मान लीजिए मेरे को यहाँ पर एक लिमिट मिला, बगल में आप इसमें शॉर्ट देख पा रहे होंगे 7,500 रुपए का, लेकिन यहां पर मैंने इसमें से कुछ पैसे इस्तेमाल करे हुए, और जब तक मैं इसका बिल पे नहीं करूंगा तब तक मेरा यहां पर मोबीक्विक जीप पे लेटर का अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो जब भी आपको इसका अकाउंट डिलीट करना है, पहले आपको इसका जो रिपेमेंट है वो करना होगा। रिपेमेंट करने के बाद जब यहां पर आप अप्लाई करेंगे कि मुझे अकाउंट क्लोज करना है, फिर जाके ये लोग आपका अकाउंट क्लोज करेंगे। यहां पर दो टाइप का अकाउंट क्लोजर होता है, पहला टेम्प्ररी होता है, दूसरा परमानेंट। आपको बता दें कि यहां पर ये लोग पहले आपका अकाउंट टेम्प्ररी क्लोज करते हैं, अगर आप इनको रिक्वेस्ट बोलते हो या फिर इनको रिक्वेस्ट करते हो क्लोज करने के लिए। बट अगर आप ये चाहते हैं कि मैं टेम्प्ररी क्लोज नहीं करना चाहता हूं, परमानेंट क्लोज कराना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको दोबारा से यहां पर कुछ और काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं लेके चलूँ वॉल की स्क्रीन पर, वहां पर आपको सारी चीज बताता हूं कि कैसे आपको क्या चीज करनी है, यहां पर आपको क्या चीज सबमिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो फाइनली क्या जा चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब चलिए आपको लेके चलते हैं मोबीक्विक एप्लीकेशन पे। और ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा मोबीक्विक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ओपन करेंगे इसको हम। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसका लिमिट दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करते हैं। और इस तरीके का इंटरफेस खुलने के बाद इधर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में आपको लिमिट शो होगा यहाँ पर बैलेंस, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं 7,395 रुपये अवेलेबल है। और यहाँ पर हम बीच में जब जिप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ टोटल चीज़ें। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल अवेलेबल बैलेंस जो है वो आपको शो हो रहा है, कितना यूज्ड हुआ है वो शो हो रहा है, और टोटल यहाँ पर 7,500 शो हो रहा है। साथ ही मैं नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा दूँ कि अब जिप में एक बड़ा अपडेट आ गया है। यहाँ पर जो पहले 15 दिनों का बिल जनरेट होता था अब वो 30 दिनों का कर दिया गया है। तो आप जितना भी पेमेंट करेंगे, जो भी मतलब आप चीज़ें यहाँ पर परचेस करेंगे, आपको हर महीने के 5 तारीख को पेमेंट करना होगा। जैसे कि अभी 9 अगस्त है, फिर भी मुझे 5 को ही यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर एक नया फीचर आया है जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है। 30 दिन का यहाँ पर जो है आपको टाइम मिलने लगा है। अब इस वाले अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको इसका पेमेंट करना होगा। ये वाला पेमेंट आपको कर देना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर पे इन एडवांस पर भी क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना होगा इसी वाले पे, और यहाँ पर आपको ये अपना देखना होगा कि आपका पार्टनर कौन है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरा लेंडिंग पार्टनर जो है वो लेंड बॉक्स है। आपके यहाँ पर ये IDFC बैंक या फिर कोई भी बैंक हो सकता है या फिर कोई भी लेंडर पार्टनर हो सकता है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका अकाउंट कितना जल्दी या फिर कितना लेट क्लोज करता है। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरा अकाउंट बहुत लेट क्लोज होगा या फिर ये वो ऐसे वैसे, तो इसके लिए हमें अकाउंट क्लोजर के लिए यहाँ पर आना होगा नीड हेल्प में। और यहाँ पर आप देखिए चैट विद अस का जो ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, और अभी यहाँ पर अरहान फ्रॉम मोबीक्विक से अवेलेबल है आपसे बात करने के लिए, और यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं सारे टॉपिक पे जो भी टॉपिक अभी आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको सीधे सीधे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाउ कैन आई क्लोज माई जिप सर्विस। आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपल सा आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है और कुछ काम नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई वॉन्ट टू क्लोज जिप अकाउंट, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या लिख किया था है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट द ऑटो यूजेस ऑफ जिप बैलेंस इज ऑन, हाउ एवर यू कैन चेंज इट फ्रॉम द जिप डिटेल स्क्रीन इन केस इफ यू स्टिल वांट टू क्लोज जिप सर्विस देन काइंडली शेयर द रीजन फॉर द सेम। अब यहाँ पर अगर आप इसको यस कर देंगे तो यहाँ पर आपका मैटर यहीं पे क्लोज होगा, आपका जिप का अकाउंट जो है वो क्लोज नहीं होगा। बट अगर आपको अपना जिप का अकाउंट क्लोज करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको नो वाला ऑप्शन दिख रहा है इस नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम टाइप करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम टाइप करने का ऑप्शन मिल गया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं मैसेज आप कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पर अपना स्क्रीन शॉट भी भेज सकते हैं यहाँ पर से। बट स्क्रीन शॉट की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई जिप अकाउंट, आई वॉन्ट टू क्लोज, इस तरीके से आपको लिख देना है माई जिप अकाउंट। ठीक है,
जैसे आपको इतना लिखना है, उतना लिखने के बाद, और यहाँ पर आप परमानेंटली भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू क्लोज माई जीप अकाउंट परमानेंटली, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेंड कर देना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मिनिमम 50 कैरेक्टर्स का चाहिए, ये चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज़ क्लोज इट एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, उसके बाद सेंड कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर सेंड करेंगे, इधर आप देख पा रहे हैं कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, उसके बाद यहाँ पर आपका एक टिकट जनरेट हो जाएगा, और ये जो टिकट नंबर है आपका, इसी के बेस पे अब आप यहाँ पर अपना अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज करवा पाओगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। आप यहाँ पर वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, ये जो आपका टिकट जनरेट हुआ है, ये आपका टिकट, अब इसी के नीचे एक और मैसेज आएगा। मैं आपका बगल में स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरे फ्रेंड का एक, मैंने यहाँ पर अकाउंट डिलीट करा हुआ है, इसके बाद ही मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो इधर आप बगल में एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, अभी आपको यहाँ पर क्या बताया दे रहा है, आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, बट आपको नहीं करना है तो आप फिर से यहाँ पर मैसेज करेंगे कि नहीं, इस तरीके से जो अभी आपने ये मैसेज टाइप किया, आपको फिर से यहीं पर इसी वाले पेज के नीचे ही एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको टाइप करने के लिए, नहीं मैं सच में अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूँ। और फिर जब आप वो मैसेज लिख के टाइप करेंगे, इतना काम करने में आपको 5 से 6 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर आपका पहले तो इसका रिप्लाई आएगा, इस वाले चीज़ का जो अभी आपने आज मैसेज किया है। उसके बाद जब वो मैसेज आएगा, उसके बाद आप फिर से जब ये वाला रिप्लाई करेंगे दोबारा से कि मुझे अपना अकाउंट क्लोज करना है, तब जाकर आपको परमानेंटली क्लोज होगा। और जब परमानेंटली क्लोज होगा तो आप बगल में स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं कि किस तरीके का आपको मैसेज शो करेगा, और वो मैसेज जो है इसी वाले पेज में आपको सेम वाले पेज में जो है शो करेगा। कुछ इस तरीके से आपको क्लोज करना है, बट आपको पहले अपना जो है रिपेमेंट कर देना है जितना भी आपने पैसा निकाला है। तो ये उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है जीप अकाउंट क्लोज कैसे करना है। बगल में आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं कैसे कैसे है, इसके आगे आपको कुछ प्रोसेस नहीं करना है, इसके आगे सिर्फ आपको वेट करना है, जो ये मैंने बता दिया, इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, बस वेट करिए, आपका जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आया कैसे कैसे करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ और चेक पूछनी हो तो हमें कमेंट करिए। आज की इस वाले वीडियो को हमें अपेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय, थैंक यू।